वेल अगर आप लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है। वेल गाइस ये चीज तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, आज यहाँ पर WWE के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ब्लड लाइन के सेगमेंट के ऊपर सोलो सकोवा तमा तोंगा तोंगा लू और जेकब फातू आज रिंग के अंदर जब उनका प्रोमो कट कर रहे थे तभी यहाँ पर ओरिजिनल ब्लड लाइन पहली बार एक साथ एंट्रेंस करते गए। और दो सालों के बाद ये पहली बार होता है जब रोमन रेंज, जिमी उसो, जे उसो और सैमी जेन चारों यहाँ पर ओरिजिनल ब्लड लाइन के मर्च को पहने हुए रिंग के अंदर एक साथ वॉकआउट करते गए। और इसके बाद यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन और ओजी ब्लड लाइन के बीच में हमें यहाँ पर बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जिस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर शॉकिंगली यहाँ पर जब रोमन रेंज की टीम यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन को बीट डाउन कर रही थी तभी यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज पर अटैक करते गए। और गाइज आउट ऑफ नो वेयर ब्रॉन्सन रीड के रोमन पर अटैक करने के बाद अब यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड WWE के अपकमिंग सर्वाइवर सीरीज पेपरव्यू के ऊपर न्यू ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले गए। और क्योंकि रॉ के ऊपर ब्रॉन्सन रीड और सेट रॉलिंस की राइवलरी चल रही गए तो इसीलिए इस चीज के हाई चांसेस है कि 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच के अंदर इस साल सेट रॉलिंस रोमन रेंज के फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। और हमें यहाँ पर सेट रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की राइवलरी ब्लड लाइन के सिविल वॉर में इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देगी। बट गाइस देखना दिलचस्प होगा कि ब्लड लाइन के पूरे ड्रामे के अंदर लांस नाइज, शीला फातू और हिको लियो का डेब्यू कब होता है और क्या यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर द रॉक यहाँ पर कंपनी पर एक बार फिर से रिटर्न करके रोमन रेंज को कन्फर्म करते हैं या नहीं। वाला आप यहाँ पर ब्लड लाइन के फ्यूचर सिविल वॉर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे।